नमस्कार, मैं भूमिका। स्वागत है आपका देश रोजाना पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में हो रही घटनाओं की, जहां नारनौंद में कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई और इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 चुनाव के लिए अपनी नई रणनीति का ऐलान किया। चलिए महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र डालते हैं और शुरुआत करते हैं आज की खास सुर्खियों के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, घोड़े पर सवार और पैदल चलकर वोट डालने वाले मतदाताओं की रंगीन तस्वीरें आई सामने। अनिल विज का बयान, वोट डालने के बाद अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने के मामले में एटीएस की जांच में नई जानकारियां सामने आई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की आ गई आखिर तारीख। नवरात्रि के मौके पर मोरबी में आग पर गरबा, लड़कियों ने किया अद्वितीय प्रदर्शन। ईरानी कप 2024, 27 साल बाद मुंबई ने जीता खिताब, सरफराज और तनुष्का बेहतरीन प्रदर्शन। पीएम मोदी का आरोप, कांग्रेस ने ड्रग्स सिंडिकेट के जरिए चुनावी फंडिंग की। तनु वेड्स मनु 3 की स्क्रिप्ट तैयार, कंगना और माधवन के साथ नया ट्विस्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, नारनौंद में कांग्रेस भाजपा समर्थकों की झड़प, नूह में छतों से पत्थरबाजी। नीतीश कुमार की 2025 चुनाव की रणनीति, 12 लाख नौकरियों और मुसलमानों पर केंद्रित नई घोषणाएं। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, नारनौंद और नूह में विवादों का साया, मतदान के बीच झड़पें। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन चुनावी माहौल में विवाद और झड़पें भी देखने को मिल रही हैं। चुनाव के दौरान की स्थिति खासकर नारनौंद और नूह में सामने आई, जहां कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई। नारनौंद में स्थित शहीद भगत सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र पर कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ और भाजपा के कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बोगस वोटिंग के आरोप लगाए, जिसके चलते पुलिस को मौके पर इंटरवीनिंग करना पड़ा और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को शांत किया। इसी प्रकार नूह विधानसभा सीट पर भी हालात खराब हुए। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार आफताब अहमद और इलेलो के ताहिर हुसैन के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हुआ। चंदेनी गांव में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस को तैनात किया गया। ये स्थिति मतदान प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही थी। फतेहाबाद के बूथ नंबर 47 पर भी एक महिला प्रेम कुमारी मतदान करने आई थी, जब अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और ये घटना मतदान के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करती है। रोहतक जिले की महम सीट पर भी तनावपूर्ण माहौल बना। यहाँ हरियाणा जनसेवक पार्टी के उम्मीदवार बलराज कुंडू और कांग्रेस समर्थकों के बीच तीखी झड़प हुई। कुंडू ने मदीना गांव के बूथ नंबर 134 का निरीक्षण करते समय कांग्रेस प्रत्याशी बलराम दांगी के पिता आनंद सिंह दांगी से भिड़ंत का आरोप लगाया और उनके कपड़े तक फाड़ दिए और उनके पीए को भी चोटें आईं। इस बार हरियाणा की चुनावी लड़ाई में 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 101 महिलाएं शामिल हैं। मतदान के लिए कुल 20,632 केंद्र बनाए गए और पुलिस ड्रोन के माध्यम से इन केंद्रों की निगरानी कर रही है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाया जा सके। जैसे जैसे चुनाव की नज़दीक आ रही है तारीख, हरियाणा का राजनीतिक माहौल और भी गर्म होता जा रहा था। 8 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होने वाला है, जो कि राजनीतिक दलों के लिए नई चुनौतियां और संभावनाएं लेकर आएगा। चुनाव ना लड़ने का मतलब नहीं कि सरकार चलाने की आकांक्षा नहीं, सुरजेवाला का बड़ा बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया और उन्होंने कहा कि चुनाव ना लड़ने का ये मतलब नहीं है कि उनकी सरकार चलाने की आकांक्षा खत्म हो गई। कैथल में पत्रकारों से बात करते हुए सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी के फैसले का सम्मान करने की बात भी कही। सुरजेवाला ने इस बयान के जरिए अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया और ये बताते हुए कि वो पार्टी के भीतर अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर गंभीर है। उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला के चुनावी मैदान में होने के कारण ये बयान राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया।
उन्होंने भी कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता की सेवा करना है और वो किसी भी स्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। और इस तरह के बयान चुनावी माहौल में कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जबकि रणदीप सुरजेवाला अपनी राजनीतिक पहचान को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मतदान की प्रक्रिया जारी है, इस तरह के बयान राजनीतिक दलों के बीच गर्माहट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले नतीजों पर असर डाल सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 घोड़े पर सवार से लेकर पैदल चलकर वोट डालने वाले मतदाताओं की रंगीन तस्वीरें आई सामने। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान का माहौल बेहद जीवंत और रंगीन नजर आ ही रहा है। आज सुबह से ही मतदान अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने तरीके से मतदान केंद्रों पर पहुंचे। तो कुछ लोग जो घोड़े की सवारी करते हुए मतदान करने आए, जबकि कई मतदाता पैदल चलते हुए दूर दूर से अपने मतदान केंद्रों तक पहुँचे। हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहाँ मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार को निभाने के लिए किसी भी बाधा को पार करने को तैयार थे। मतदान केंद्रों पर उत्साह था, उमंग का माहौल था, जहां लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट डालने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इन तस्वीरों में न केवल लोकतंत्र का जश्न देखने को मिला, बल्कि हरियाणा की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर भी झलकती है और मतदाताओं की इस जिंदा दिली ने चुनावी प्रक्रिया को और भी ज्यादा खास बना दिया। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से आ रही मतदान की जीवन तस्वीरें बताती है कि लोग अपने वोट की ताकत को पहचानते हैं, उसे निभाने में गर्व महसूस करते हैं। 8 अक्टूबर को परिणाम भी घोषित होने वाले हैं और इस चुनाव में जनता का उत्साह उम्मीदों का नया अध्याय लिखने को बिल्कुल तैयार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, कुमारी शैलजा का बयान, बीजेपी मेरा स्वागत करने को हमेशा तैयार रहती है। हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान हिसार में वोट डालते समय एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी हमेशा उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहती है। ये बयान उस समय आया जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाते हुए वोटिंग प्रक्रिया में भाग लिया। शैलजा ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना लोकतांत्रिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि वो अपने वोट का प्रयोग करें। उनके इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और भी गर्म कर दिया, खासकर ऐसे समय में जब हरियाणा का चुनाव माहौल काफ़ी गर्म है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने अपने मतदाता अधिकार का पालन करते हुए लोकतंत्र की ताकत को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मिलकर जनता की सेवा करनी चाहिए और चुनावी माहौल को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। कुमारी शैलजा के इस बयान ने दर्शाया कि राजनीतिक राइवलरीज के बावजूद लोकतंत्र में सभी की आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। चुनाव के नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर को होने वाली है और ऐसे में कुमारी शैलजा का ये बयान आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों पर असर डाल सकता है। तो ये थी आज की खास खबरें, हरियाणा की खास खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया, चुनावी माहौल में विवाद, मतदान के रंगीन दृश्य और प्रमुख नेताओं के बयान, सभी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हम आपके साथ खबरों को साझा करते रहेंगे ताकि आप हर पल की जानकारी से अपडेटेड रहे, जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल देश रोजाना बेबाक सच पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।